हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हैं आप सब? आई होप फ्रेंड्स आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की रीडिंग में फ्रेंड्स हम लोग चेक कर रहे हैं सितंबर 2024 आपके लव और रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा। क्या आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स रहेंगी, वो क्या सोचेंगे, उनकी क्या इंटेंशंस रहेंगी। रीडिंग फ्रेंड्स टाइमलेस, जनरल एंड कलेक्टिव है। विदाउट मच फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। जल्दी से फ्रेंड्स पॉजिटिव एनर्जीज को एक्सचेंज करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओम गौरी शंकराय नमः। प्लीज यूनिवर्स बताएं सितंबर 2024 में मेरे ब्यूटीफुल से व्यूअर्स के ब्यूटीफुल से पार्टनर्स की एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं। द टेम्पल पाथ, ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स कि ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में जाने वाले हैं, डिवाइन से इंट्यूटिवली या ड्रीम में बहुत सारे आप दोनों के कनेक्शन के रिगार्डिंग सिग्नल्स कैच करने वाले हैं। ऐसा भी लग रहा है आप लोग सोलमेट्स या ट्विन फ्लेम्स जर्नी का पार्ट हैं एंड आपके पर्सन को बहुत सारे सिग्नल्स अबाउट दिस कनेक्शन, अबाउट द पास्ट लाइफ मिल सकते हैं ड्यूरिंग दिस मंथ। जर्नी, ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन ना अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल कर सकते हैं, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं, कहीं ट्रैवलिंग या ट्रिप प्लान कर सकते हैं एंड काफ़ी इस मंथ को एंजॉय करते हुए भी दिखाई देते हैं। अगर मैं इनकी आपके लिए एनर्जीज़ की बात करूं तो कहीं ना कहीं ये इंसान ना फ्यूचर को लेकर, आप दोनों के फ्यूचर को लेकर बहुत एंक्शियस हैं। इन्हें नहीं समझ में आ रहा कि आप इनके साथ थिंग्स को परमानेंट रखोगे या नहीं रखोगे, या इन्हें नहीं समझ में आ रहा कि आप इन्हें दोबारा एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ही कॉन्फिडेंट हो, अथॉरिटेटिव हो, पॉजिटिव हो एंड उस वजह से हो सकता है ये अपनी लाइफ में हमेशा इनसिक्योर रहते हैं, परेशान रहते हैं, आपको फॉलो या चेस करते रहते हैं, स्टॉक करते रहते हैं एंड फ्यूचर को लेकर ये इंसान बहुत एंशियस रहते हैं। 18, 9, 18, 27, 2, 11, 29, 20, 3, 12, 21, 30 कई लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट नंबर्स और डेट्स हो सकती हैं। द वर्ल्ड, ऐसा लग रहा है ये इंसान कहीं पर भी हो, किसी ट्रिप पर हो, आपसे लेस कॉन्टैक्ट में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो या बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट में हो, बट स्टिल ये आपको एवरी मोमेंट इस पूरे मंथ मिस करने वाले हैं और ये मिसिंग एनर्जीज इनकी नाइट में बहुत स्ट्रांग होने वाली है। ब्रोकन हार्ट, या तो इन्हें किसी थर्ड पार्टी से धोखा मिलने वाला है या इन्हें लगता है कि अब आप ही इन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे इस पूरे मंथ में, ठीक है, तो इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा सैड, डिसअपॉइंटेड, हार्ट ब्रोकन फील कर सकते हैं। हैप्पी फैमिली, कहीं ना कहीं इनके मन के भाव हैं कि इनको एक स्टेबल फैमिली मिले, रिश्ते मिले, इनके बच्चे हों आपके साथ, घर गृहस्थी हो, आप सभी एक साथ बहुत ही डिवाइन ब्लेसिंग को इन्जॉय करें एंड स्टेबल लाइफ जिए। ऐसा लग रहा है जो ड्रीम्स अब तक के आपके थे कहीं ना कहीं इस मंथ इनके बनने वाले हैं। ये आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन को लेकर बहुत एंशियस होने वाले हैं, आपको फॉलो करने वाले हैं, चेस करने वाले हैं एंड आपके साथ स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट करने वाले हैं। बहुत ही प्यारी एनर्जीज हैं। फाइनली ऐसा लग रहा है इन्हें आपकी और इस कनेक्शन की इम्पॉर्टेंस समझ में आ रही है एंड आपके बिना ये कितना हेल्पलेस हैं वो ये समझ पा रहे हैं। तो फाइनली इन्हें लगता है कि ये सिर्फ आप ही के साथ हैप्पी और पॉजिटिव रह सकते हैं। हो सकता है फ्रेंड्स आपका अगस्त मंथ में इस पर्सन के साथ बहुत ही गंदा झगड़ा हुआ हो, कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है जिसकी वजह से आपके पर्सन ने ही कुछ ऐसा बोल दिया हो जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए था एंड अब इन्हें बहुत एंग्जाइटी हो रही है कि पता नहीं थिंग्स सॉर्ट आउट होंगी या नहीं, आप दोबारा से मानोगे या नहीं, वो वाइब्स यहाँ पर आ रही हैं। अब हम टारो से चेक करते हैं क्या एनर्जी है। फाइनली फ्रेंड, जिसके पीछे आप पूरा दिन भागते रहते थे, जिससे आप अपने प्यार की भीख मांगते रहते थे, ये पर्सन अब आपके पीछे भाग रहे हैं, बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा हेल्पलेस और होपलेस फील कर रहे हैं।
फोर ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज हैं, कहीं ना कहीं आपको फॉलो कर करके, चेज कर करके, स्टॉक कर करके, या आपके बारे में सोच सोच कर ये इंसान थकने वाला है इस पूरे मंथ में। नहीं समझ में आएगा क्या करे क्या ना करे और कैसे करे। अगर फ्रेंड्स मैं यहाँ पे जोडियक्स की बात बताऊँ तो जेमिनी, लिब्रा, अक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी स्ट्रांग है, ठीक है। एंड ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन पूरा मंथ इस कनेक्शन के बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में बहुत ओवर थिंकिंग करेंगे। एंग्जाइटी एंड द हैंग्ड मैन, ये इस कनेक्शन को रीस्टार्ट करने के लिए बहुत डेस्परेट हो रहे हैं। आपको कमिटमेंट देनी पड़े, कन्फेशन देना पड़े, प्रपोज करना पड़े, या फिर आपके पास वेडिंग का प्रपोजल भेजना पड़े। सब चीज़ों के लिए रेडी हो जाएंगे अगर आप इनको इसी तरह से इग्नोर करते रहे और रिजेक्ट करते रहे तो। सेवन ऑफ वैंड्स है, ऐसा लग रहा है इन्हें खुद पर गुस्सा आ रहा है, अपनी हरकतों पर गुस्सा आ रहा है। इन्हें समझ में आ रहा है कि कहाँ कहाँ इन्होंने मिस्टेक की थी, सब तेरी गलती थी, तेरी वजह से ये रिश्ता टूट गया। हो सकता है ये खुद ही को कोस रहे हैं। एरीज, लियो, साज की एनर्जीज भी है, ऑलमोस्ट सभी जोडिक साइंस यहाँ मौजूद हैं। 4, 22, 13, 31, 7, 16, 25, 1, 19, 28, 10 नंबर्स और डेट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट हैं। फ्रेंड्स ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे फोर ऑफ कप्स है, कहीं ना कहीं ये पर्सन को समझ में आ रहा है कि अब आपको दोबारा से ग्राफ करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज आप टोटली अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड हो, हैप्पी हो, लॉस्ट हो, एंड आप ज़्यादा इन पर अटेंशन दे ही नहीं रहे हो। अब मैं चेक करती हूँ कि इमीडिएटली ये पर्सन करेंगे क्या इस कनेक्शन में, ठीक है। एनर्जीज तो हमने बहुत चेक कर ली, इनका इमीडिएट एक्शन सितंबर में कैसा होगा। एस ऑफ वांड्स, लवर्स, ओ माय गॉड, किंग ऑफ वांड्स, ऐसा लग रहा है शुरू शुरू में तो हो सकता है ये आपको दिखाएं कि जैसे इन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन बहुत टाइम तक ये इंसान ना ये चीज़ें दिखा नहीं पाएंगे, शो नहीं कर पाएंगे। फाइनली इन्हें लगेगा कि मैं और रिसिस्ट नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, एंड ये पर्सन विद द एस ऑफ वांड्स आपको खुद से अप्रोच करेंगे, आपके साथ खुद से रिकन्सिलिएशन करने की कोशिश करेंगे, आपके साथ ना खुद से रोमांटिक साइकिल में आने की कोशिश करेंगे, एफर्ट्स लगाएंगे, इनकी इग्नोरेंस इनकी तड़प में बदल जाएगी और आपकी इग्नोरेंस इन्हें मजबूर करेगी कि ये आपके लिए डेस्परेट हो जाएं, ठीक है। आफ्टर डैट लवर्स की एनर्जीज है, हो सकता है ये पर्सन आपको बताएं हाउ मच दे लव यू, आपको बताएं कि ये आपको कितना मिस करते हैं जब आप इनके पास नहीं होते हैं, आपको बताएं कि आपके साथ पूरी ज़िंदगी का रिश्ता चाहते हैं, शादी, घर गृहस्थी, बच्चे चाहते हैं, और अगर शादी नहीं भी हो सकती आप दोनों की किसी भी रीज़न से, तो ये इंसान आपके साथ रोमांटिकली, पैशनेटली, फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली, हर वे से कनेक्टेड पूरी ज़िंदगी रहना चाहते हैं। बहुत ही प्यारी फीलिंग्स हैं इस पूरे मंथ में आपके पर्सन की। आई होप फ्रेंड्स आपको रीडिंग पसंद आई होगी, आपसे रेजोनेट की होगी। अगर पसंद आई है, रेजोनेट की है, तो कमेंट बॉक्स में इसको क्लेम करें, इनके अपकमिंग फ्यूचर को, इमीडिएट एक्शन को क्लेम करें। राधे राधे लिखें, प्यारे प्यारे हार्ट सेंड करें, या फिर अगर मैं फील कर पा रही हूँ प्यारे प्यारे रोजेस सेंड करें। अब मैं चेक कर रही हूँ फ्रेंड्स एंजल की आप दोनों के रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस है। इट्स अप टू यू, आपके ऊपर है आप कितना मैच्योरिटी से इस कनेक्शन को हैंडल करते हैं, ठीक है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपका रिश्ता सुधर जाएगा, रिकवरी, अगेन कन्फर्मेशन आया है, ठीक है। फ्रेंड्स आप लोग पर्सनल रीडिंग्स भी मेरे साथ बुक करा सकते हैं, ईजिली व्हाट्सएप कर मुझसे 1-to-1 कनेक्ट हो सकते हैं, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सबसे पूरी रेजोनेट करे या सबको पूरी क्लैरिटी मिले। तो डेफिनेटली पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं जिसमें कंप्लीट आपकी और आपके पर्सन की बात होगी, कंप्लीट गाइडेंस, रेमेडीज, एडवाइस मिलेगा, ठीक है। चूज अ न्यू डायरेक्शन, अगर पुराने वे से काम नहीं बन रहा है तो कोई नया वे ढूंढे, कहते हैं ना सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। आस्क योर एंजल्स, आप बहुत इंट्यूटिव हो एंजल्स की, आपके साथ कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, आप में से कई लोगों को एंजल नंबर्स दिखते होंगे, अगर दिखते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं कौन कौन से एंजल नंबर्स आपको दिखते हैं। मैं कोशिश करूंगी अपनी फ्यूचर की वीडियोस एंजल नंबर्स पर भी बनाने की। ऑलराइट फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मे गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर।
लव यू ऑल गाइज, टेक केयर, ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू। एंड नेक्स्ट आपको वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।